और स्पोकन इंग्लिश। मीन्स कि देखो एक सब्जेक्ट आप नाइन्थ फर्स्ट से लेकर के ट्वेल्थ तक पढ़ते हो इंग्लिश, एक ऐसे आप जानते हो इंग्लिश को, एक होता है स्पोकन इंग्लिश, एक होती है लैंग्वेज, है ना। सो आपको क्या लगता है स्पोकन इंग्लिश अच्छी है या मीन्स व्हाट इज द डिफरेंस, एक सब्जेक्टिव टाइप में हमें इंग्लिश को लेके चलना चाहिए या लैंग्वेज के टाइप में? तो सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपके हैं इंग्लिश। इन टुडेज वर्ल्ड 2021 21st सेंचुरी, आज के ज़माने में हम देखें तो सबसे यूनिवर्सल लैंग्वेज, अगर आप किसी फॉरेन कंट्री से बात करना चाहते हैं, अगर आप अपना टेली कम्युनिकेशन अच्छा करना चाहते हैं, अगर आप अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं, इंटरव्यूज देना चाहते हैं, है ना, जो कि मोस्टली हमें नीड होती है, सो द आंसर इज दैट इज इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड एंड इट इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड। तो इंग्लिश सीखना आजकल के ज़माने में इतनी इम्पॉर्टेंस हो गई है, तो आज मैं यहाँ पर इसलिए ही आया हूँ कि आपको स्पोकन इंग्लिश की इम्पॉर्टेंस को बताते हुए कैसे हम अपने आप को स्पोकन इंग्लिश में इम्प्रूव कर सकते हैं ना, और कैसे अपने करियर को हाइट दे सकते हैं, मीन्स बहुत ऊँचाई तक जा सकते हैं। तो आप लोग सबको पता है कि आप लोग कंप्यूटर में भी इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ देखते हो, सो मोस्टली द स्पोकन इंग्लिश और इंग्लिश अब है क्या, इतनी सारी चीज़ें हमने इंग्लिश पे जान ली है ना। तो आप सबका स्वागत है। सो अब इंग्लिश पे हमने इतनी चीज़ें जान ली, तो इंग्लिश है क्या, व्हाट इज़ इंग्लिश भाई, एक इंग्लिश है क्या आप लोगों के मन में ये सवाल आना लाजमी है, क्योंकि हम इंग्लिश के बारे में ही जान रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको इससे थोड़ा बहुत डर जरूर लगता होगा कि हम स्पोकन इंग्लिश कैसे करें, है ना। तो इंग्लिश मेनली क्या होता है आपका, जस्ट इट इज़ एन लैंग्वेज, ये क्या है, सिर्फ एक भाषा ही है। अब मैंने आपसे पूछा था ना कि ये एक सब्जेक्ट है या भाषा है, तो सब्जेक्ट है या भाषा है, तो आप लोगों ने अपने अपने टाइप से लिया होगा, जो जब बस ट्वेल्थ तक पढ़ के निपटा दिया, जिन्होंने इंग्लिश में जस्ट पासिंग मार्क्स आ गए, बस ऐसे हमने इंग्लिश को निकाल दिया। मैं 2 साल से इंग्लिश ट्रेनिंग दे रहा हूँ और आई एम टोटली इंडल्ज इन द इंग्लिश लैंग्वेज स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज और इंग्लिश क्लासेस फॉर सब्जेक्टिव एज वेल 9 to 12। सो आप लोगों को बताऊँ कि इंग्लिश वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है, लेट यू ऑल नो, सो इट्स जस्ट नॉट लाइक यू फेयर, यू हैव टू फेयर, मीन्स आप सबको डरना नहीं है इतना इस लैंग्वेज से। इट इज़ इम्पॉर्टेंट ग्रामर से पहले जान लें कि क्या होता है इंग्लिश, है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि हम ग्रामर सीख जाए बस इंग्लिश में, है ना, तो ये नहीं होता, बस आपको एक पहले लैंग्वेज की पकड़ होना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज का यूज़ क्या है कोई बता सकता है मुझे, वॉट इज़ द यूज़ ऑफ लैंग्वेज, भाषा का क्या प्रयोग है? अभी मैं कैसे बोल रहा हूँ, किसी भाषा में बोल रहा हूँ। सो मेनली द पर्पस ऑफ लर्निंग एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज, आप अपने बचपन से हिंदी क्यों सीख रहे हो, हिंदी में क्यों बोल रहे हो, क्योंकि लैंग्वेज आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है, एक पावर देता है टू कम्युनिकेट, टू प्रेजेंट योर व्यूज, थॉट, आइडियाज, फीलिंग्स, जो भी आपके मन में आ रहा है उसको क्या करते हो आप, प्रेजेंट करते हो, है ना, थ्रू योर एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज, किसी भी, चाहे आप हिंदी में, इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज में कर रहे हो तो उसको प्रेजेंट करते हो। तो लैंग्वेज एज अ मैटर ऑफ कॉमन लैंग्वेज इट इज़ द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब बातचीत करने का एक माध्यम ही है, और आजकल के ज़माने में बातचीत करने का क्या माध्यम सबसे ज़्यादा है, इट इज़ द ओनली लैंग्वेज इंग्लिश विच वी कम्युनिकेट इन डिफरेंट अदर कंट्रीज, इन आर इंटरव्यूज वी सी इट, इन आर कंप्यूटर्स वी सी इट, इन आर स्पोकन, और एवरीवेयर यू विल फील दिस thing that you have to learn English. Now I will move to the importance and historical background. Historical background आप नहीं भी जानते तो कोई दिक्कत नहीं है, but historical background इतना है कि ये English language इतना हुआ क्यों, बना हुआ है, इतना ज़्यादा फैला क्यों हुआ है, ये हमें जानना जरूरी है। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा रूल किस कंट्री ने करा है, ब्रिटिश लोगों ने, हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा राज किन लोगों ने किया, ब्रिटिश लोगों ने, तो उन्होंने इस लैंग्वेज को पूरा वाइडली स्प्रेड कर दिया है, सो दैट्स वाई इट हैज़ बिकम वेरी वाइडली एंड इट हैज़ इम्पॉर्टेंस, तो बहुत ज़्यादा इसके इम्पॉर्टेंस है। अगर आप भी स्टार्ट करना चाहते हैं कि मैं भी, मीन्स सबके मन में होता है कि हम भी किसी ना किसी टाइम सबके मन में आता है कि हम भी एक स्पोकन इंग्लिश अच्छे से बोल पाएँ, वी कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश इन अ फ्लुएंट वे, इन अ कॉन्फिडेंस एट एवरी वेयर वेयर इट इज़ नीडेड, वी विल स्पीक इन इंग्लिश और वी विल इम्प्रूव आवर सेल्फ, क्यों, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश ही ऐसी चीज़ है जो हम हर जगह यूज़ में देखते हैं, क्योंकि आपसे कहीं भी इंटरव्यू लेंगे तो हिंदी में नहीं लेंगे, आपसे कहीं भी स्टेज पे बोलने को बोला जाएगा दैट विल बी नॉट इन हिंदी लैंग्वेज, यू ऑल नो दैट, बिकॉज आफ्टर 12th भी इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड आफ्टर
एनी ग्रेजुएशन और इन योर स्कूल एज वेल, क्योंकि आपके स्कूल में भी आप इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग करते हो, आप अपने लाइफ में इस लैंग्वेज को नहीं झुठला सकते, इस सच को कोई सिर्फ हिंदी के साथ, क्योंकि देखो हमारी लैंग्वेज पे पकड़ होनी चाहिए. एज आई टोल्ड यू दैट वी हैव टू कम्युनिकेट विद अदर पर्सन, विद सम अपर लेवल पर्सन, विद सम हाईली क्वालिफाइड पर्सन और इन इंटरव्यूज, सो यू नीड दैट लैंग्वेज. तो स्टार्टिंग से बात करें तो अब कोई बता सकता है, अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पर खड़ा होकर के दे सकता है, that you have some confidence, anybody, you can give your introduction, can we give, please, yes, stand up, tell me about yourself, in any language, if anybody else can give their introduction in English, they may raise their hand. My name is Dinesh Chandra, yes. My father's name is Kapil Kumar Bansal, my mother's name is Kapil Bansal, and my language speak English and Hindi, both. What are your hobbies, may I know? Hobbies, Brandon, hobbies, tabla. Yeah. और playing tabla. और हिंदी books, reading novels in Hindi language or in English, you can read novels in English. Yes. And my destination and my destination is London, Switzerland and both. Every destination. And I would like to ask you one more question. What's your aim in life or what's your goal do you want to achieve? My achieve is tabla and fitness and Bollywood. Very well. He gave this interview. He has some courage. But here we can find some mistakes as well. हम गलतियाँ भी ढूंढेंगे. But we have to appreciate him that he stand up and gave his introduction. But what happens? We do some small mistakes. अब इतने सारे में से एक व्यक्ति ने क्यों आंसर दिया? What is the problem? क्या ऐसी चीज है कि हम लोग क्यों नहीं रेज हैंड करके अपना इंट्रोडक्शन दे पा रहे? शायनेस, दैट इज फियर. सो व्हाई इट इज देयर? तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं अभी ट्रेनिंग दे रहा हूँ. स्पोकन इंग्लिश कोर्स है हमारा जो कि आने वाला है. सो व्हाट हैपन्स कि इंग्लिश से हम डरते हैं. तो अगर आप बोलना भी चाहते हैं तो व्हाट हैपन्स, द मेनली थिंग इज दैट प्रोनंसिएशन. You know English. I know that you all know English language. You know grammar rules. You know tenses. You know preposition. Everything. But what the matter is that whenever you speak or when you come to speak, the thing is that we get stuck. We get fear. We don't know the grammar rules. We forget everything. सबके साथ mistakes होती हैं. सब गलतियाँ करते हैं. But the thing is that you start, because हर कोई English में बोलना चाहता है, but कोई start नहीं करना चाहता है ना? Yes. मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम वर्ड मीनिंग नहीं, जैसे हम डिक्शनरी में ढूंढते हैं, डिक्शनरी में हम वर्ड मीनिंग ढूंढ के निकाल सकते हैं और उसके उसको पढ़ सकते हैं, तो उससे भी काफ़ी वर्ड हमें याद होते हैं. अब इन्होंने बात की है वोकैबुलरीज की, वर्ड मीनिंग्स की, बट क्या सिर्फ ये करने से आप स्पीकिंग इंग्लिश या स्पोकन इंग्लिश कर सकते हैं? जितने आप 1000 से 2000 वर्ड्स रट लो या फिर याद कर लो तो क्या वर्ड सीख के ही हो जाएगा काम? मान लो आपकी बेसिक इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, तब भी मैं कह रहा हूँ बेसिक इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है ना, और अब आप स्पोकन इंग्लिश करना चाहते हैं और आप डेली वर्ड्स सीख रहे हैं, बट वो वर्ड्स जरूर मैं गारंटी देता हूँ आप भूल जाओगे वो ऐसे आपने डिक्शनरी से, बट कहाँ आपको ये वर्ड्स याद रहेंगे? दैट यू रीड समथिंग, मीन्स आप एक नॉवल पढ़ रहे हो, आप एक मैगजीन पढ़ रहे हो, आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते होंगे, जो भी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की या अपने डेली लाइफ में अवेयर होने के लिए न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, वहाँ आप ना उन वर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए और उस टाइम डिक्शनरी से ढूंढ के. तो ये अगर आप करते हो तो आपकी थोड़ी बहुत स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं, बट हर कहीं से वर्ड छाट लिए, कहीं से वर्ड लिख लिया, तब उसका हिंदी लिख दिया सामने, वैसे आपको वो वर्ड मीनिंग्स कभी याद नहीं होने वाली है. क्योंकि किसी वर्ड को ना सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझते हैं ना, कि इस लाइन पूरे लाइन को समझना, कभी एक वर्ड को मत समझना, पूरे वो सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर आप उस वर्ड को सीख गए तो आप वो स्पोकन इंग्लिश में वो वर्ड आप कभी भी यूज़ कर सकते हो, वो भूलोगे. तो ये इंपॉर्टेंस हो जाती है
सो हम स्टार्टिंग से बेसिक, क्योंकि अपना जब तक पिलर बनाते हैं हम घर बनाते हैं है ना, तो अगर आपका पिलर या फिर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है ना तो वो घर जल्दी ही गिर जाएगा। मान के चलो आपके बेसिक इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है पर डायरेक्ट आप आ जाते हो, हाई एवरीबॉडी आप सीख लेते हो डेली का, मैं भी बोल रहा हूँ तो आप लोग सोच रहे होंगे कि डेली यूज वर्ड्स देख लें कि आई एक बात है, आई एम फाइन, ऐसे हमने सेंटेंस बोल दिया हमें लग गया कि हमें इंग्लिश आ गई, दैट्स नॉट दैट इंग्लिश। व्हिचएवर थिंग यू वांट टू लर्न यू हैव टू गो फ्रॉम बेसिक्स, इट टेक्स टाइम, टाइम लगता है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। इफ यू वांट टू लर्न एनीथिंग यू हैव ज़ील टू लर्न एनीथिंग यू हैव टू गिव योर टाइम, यू हैव टू गिव योर पेशेंस एंड द थिंग विच यू हैव टू पुट ऑन मीन्स यू हैव टू स्टार्ट, यू हैव टू प्रैक्टिस दैट थिंग। मतलब कोई और आपको नहीं सिखा सकता, मैं खुद कह रहा हूँ मैं सिखाता हूँ, बट मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको बोल के पिला दूंगा, ये सारे टीचर्स बोलते हैं, बट यू इफ यू विल कन्वर्सेट विद मी, इफ यू डू कन्वर्सेशन विद मी, इफ यू कम टू एनी टॉपिक लाइक टुडेज करंट और हॉट टॉपिक इज थर्ड वेव ऑफ COVID-19 और द सिचुएशन विच वी फेस, मीन्स हमारे आस पास की जो चीज़ें होती है वो हमें इफेक्ट करती है, बहुत असर डालती है हम पे। अगर मैं आपसे कंप्यूटर के विषय पर बात करूँ तो एनीबडी कैन आंसर विच वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर मेड, हाउ मैनी प्रोसेसर आर देयर, विच वॉज द फर्स्ट रैम वी यूज, मतलब कौन सी ऐसी पहली रैम थी, हार्ड डिस्क कितना होता है। तो ये आपके लिए टॉपिक इंटरेस्टिंग है या नहीं है, क्योंकि आप लोग अभी कंप्यूटर इंग्लिश कंप्यूटर सीख रहे हो और बाद में इंग्लिश भी सीख सकते हो, इंग्लिश भी इसमें आती है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें देखो इम्पोर्टेंस क्या है, हम यहाँ पर क्यों है, किस लिए इंग्लिश सीख, मैंने बाद में इंग्लिश सीखना चाहिए। यस बेस और वॉट टू डू टू स्पीक इंग्लिश और वॉट इज द मेन थिंग कोर थिंग टू स्पीक इंग्लिश, मीन्स ऐसी कौन सी चीज है जिससे हमें स्पोकन इंग्लिश आ जाए। अकॉर्डिंग टू माई पर्सपेक्टिव Guru said that vocab. Yeah. According to my perspective, vocab. If you have stock of vocab, then you could automatically speak English because you have stock of English. Second phobia. Second, if you don't have phobia, yes. Phobia, then you could speak English. Yeah. So main thing is that he's saying that in his perspective, if you want to speak English, the word meanings will help, and you have to remove your phobia. I would like to add some points, good points, you presented well. I would like to add that we speak that we have to remove our phobia. How the phobia will remove? How the phobia of English, of fear, or how you can, whichever words or whichever vocabularies you learn, how you can make it in use? Matlab, aap uska istemal karke kaise sentences mein bole? Whenever he spoke English well, if you also want that, how you will use that words or the remove the phobias. Now here, I will tell you some tips or the thing which you have to do for spoken English. मैं आपको कुछ ऐसे बातें ही बता दूंगा, क्योंकि ये डैमो और एक तरीके से सेशन है जिसमें कि आपको इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आप भी एक करेक्ट और एक फ्लुएंट वे में, कॉन्फिडेंस वे में स्पोकन इंग्लिश कर सकते हैं। इट्स नॉट द टफ टास्क, इट्स नॉट द बाइट ऑफ नेम। यस, एंड हिंदी जैसे आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हो वैसे इंग्लिश में क्या करते हैं, हिंदी में ट्रांसलेट करें, समझ में तो आना चाहिए। जैसे आप इंग्लिश पढ़ा दो तो उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करना आना चाहिए। ट्रांसलेशन जैसे अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, बाय कंट्री हम ऑस्ट्रेलिया एंड अदर कंट्रीज जा रहे हैं, तो वहाँ पर इंग्लिश बोली आती है एंड द हिंदी, तो वहाँ पर ट्रांसलेट करना आना चाहिए, ट्रांसलेट करना। अब इन्होंने ट्रांसलेशन पर बात की है, तो वी आर नॉट फॉरनर्स, हम अमेरिकन्स नहीं हैं, हम ब्रिटिशर्स नहीं हैं, तो हमें चाहिए कि एक बेस लैंग्वेज हमारी मदर टंग विच इज़ हिंदी। तो ट्रांसलेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, तो ट्रांसलेशन का इम्पोर्टेंस ये है कि मान के चलो अगर आपको ऑब्जर्व करना आता है, अगर आपने बचपन से आप हिंदी कैसे सीखो मुझे ये बताओ, इन्वायरमेंट ऑब्जर्वेशन, आसपास क्या चल रहा है ना, हमारे आसपास क्या चल रहा है, हमारे ऑब्जर्व जो हम कर रहे हैं, अगर ऐसे ही आप अगर आप हिंदी को ऑब्जर्व करके शुरू से, क्योंकि अंग्रेज लोग इंग्लिश क्यों बोल पाते, क्योंकि उनका इन्वायरमेंट वैसा है, उनके सराउंडिंग ऐसा है, उनको शुरू से वैसा, अब कॉन्वेंट स्कूल के भी, प्राइवेट स्कूल के मान लो वो भी स्पोकन इंग्लिश दे, एवरीबडी गो हे बड़ी हाउ आर यू, ये ऐसे करते हैं क्यों, क्योंकि उनकी
जो है बिल्डिंग है, अपब्रिंगिंग है, मीन्स उनको तैयार किया गया है कॉन्वेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल्स में. यू कैन नॉट स्पीक इन हिंदी फ्रंट ऑफ योर टीचर इन कॉरिडोर्स. इफ द यू आर टॉट बाय टीचर दैट यू आर स्पीकिंग इन हिंदी, ही विल स्कोल्ड यू. मीन्स वहाँ पे उनको इंग्लिश में ही बोलना पड़ता है. तो ऐसे ही अगर आपके साथ भी कर दिया जाए, मीन्स आपको भी ट्रेनिंग लेनी है स्पोकन इंग्लिश की, तो सबसे पहले आप भूल जाओ कि आपको हिंदी में बोलना है. पर उसके लिए बेस स्ट्रांग होना चाहिए, है ना. तो आप अगर इंग्लिश में ही स्पोकन इंग्लिश ही करना चाहते हो, तो ट्रांसलेशन का यहाँ ये रोल होता है कि स्टार्ट आप कैसे करोगे, डायरेक्ट इंग्लिश नहीं बोल पाओगे. तो ट्रांसलेशन सीखते हैं हम टेंस से, हम हिंदी टू इंग्लिश सीखते हैं. आप थिंक इंग्लिश में अभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो फॉरनर्स का काम है. मीन्स आप सोच ही हिंदी में, कुछ चीज़ें हम हिंदी में सोच लेते हैं बट इंग्लिश में बनाने के लिए टाइम लग जाता है ना. तो हम इंग्लिश में तो सोच ही नहीं लेते, हम सीधा बोल देते हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है. तो ये सारी चीज़ें इनका ध्यान रखते हैं. और ये हर जगह एवरीवेयर इंट्रोडक्शन हर जगह कॉमन हो गया इंग्लिश लैंग्वेज, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है धीरे धीरे, है ना. तो गूगल भी कहता है कि इंग्लिश इज़ द इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, मतलब कि अगर आपको बात करनी है इंटरनेशनली तो वो कम्युनिकेशन का जरिया है. 53 कंट्रीज में बोला जाता है और 400 मिलियन लोगों के द्वारा बोला जाता है. तो इम्पोर्टेंस बताने की मुझे उतनी ज़रूरत है नहीं, आप लोग समझ ही गए होंगे, है ना. The thing is that you want environment, you want person. अब इनके लिए आप क्या कर सकते हो? You can speak to yourself only. If nobody is speaking with you, you can speak with yourself buddy. You can go to Google, you can search Omega, or you can go to Cambly. Cambly app, you have listened, I think. Have you listened about Cambly app? It is paid. But if you want to create the environment, just say everybody, you can take 10 days challenge as well. Which is the 10 days challenge means you will say to your belonging, to your mother, father or your friends that I will not speak in Hindi. You have taken the pledge that I will not speak in Hindi. Then you can do it. How? The thing is that you will determine. You have passion to speak in English. You will say in 10 days I will not speak Hindi. Agar Hindi aa bhi jati hai muh pe, so you will say what to say to tomato in English, means you will ask the person, means what to say to this thing. You don't know the meaning of that word in English because continuously you will speak. That is, you are not foreigner that you will speak the every vocabulary is here, anything you speak, because you will stutter. You will speak in Hindi, but you have to say that what to say this thing in English. Okay, so you can create environment by yourself only. Like you can write. You can write English, you can make your daily log, means what I will do, I will wake up at 8 AM, then I will go to computer class, then I will return. ये सब आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो आपकी स्पोकन इंग्लिश भी बेटर हो रही है, ये गारंटी है. आप अपने आप से बात कर रहे हैं, now I have to go to PPG Institute, now I have to eat food, now I have to sleep, now I have to prepare for my lunch, I have to prepare for my exercise, anything. You can talk to yourself. Yes. You are right. You can write daily log, means whatever. अगर आप अपने डेली लाइफ का अगर लिख करके रखते हैं ना सुबह की मुझे क्या क्या करना है, तो जरूर आप अचीव कर लोगे रात तक. अगर आपने सोच ही नहीं रखा तो लाइफ ऐसी चलती चली जाएगी, है ना. क्योंकि हमें कभी लॉकडाउन में सबको डिप्रेशन हुआ है, ऑलमोस्ट 90% लोगों को डिप्रेशन हुआ है लॉकडाउन के अंडर. क्यों क्यों हुआ डिप्रेशन? क्योंकि हम लोग थे फ्री, वी वर फ्री, वी हैव लॉट्स ऑफ टाइम. अब कुछ लोगों ने उसमें सीख लिया होगा कुछ चीज़ें, नई चीज़ें कुछ लोगों ने उसमें सीख लिया होगा. कुछ लोगों ने टाइम ऐसी मूवीज़ देख के गवा दिया होगा, कुछ लोगों ने मीन्स ऐसी खा पी के गुजार दिया होगा, कुछ लोगों ने मीन्स पढ़ लिया होगा अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए किसी चीज़ों के लिए. तो यार अगर आप लोग भी मीन्स अपना करियर ग्रोथ चाहते हो या लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो स्पोकन इंग्लिश इम्पॉर्टेंट हो जाती है. इफ़ यू ऑल वॉन्ट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, वी हैव लॉन्च्ड दिस कोर्स, यू कैन कॉन्टैक्ट अस और थ्रू एनीथिंग. तो अब क्या क्या कर सकते हैं, अभी हमने डिस्कस वैसे कर ही लिया क्या क्या कर सकते हैं. तो इंग्लिश देखो 6 महीने 1 साल की चीज़ नहीं है. मैं 8 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आप लोग भी बचपन से पढ़ते ही आ रहे हो स्पोकन इंग्लिश या फिर इंग्लिश. तो उसमें क्या है कि आप ये सोचोगे ना कि 2 महीने में 15 दिन में इंग्लिश सीख जाएँ,
ये फॉर्मूला स्कीम काम नहीं आता है, आपके अंदर इनबिल्ट होता है, धीरे धीरे वो बनता चला जाता है। आप अगर ऑब्जर्व करना जानते हैं, अगर आप मान के चलो कुछ पढ़ रहे हो तो उसको इंग्लिश में पढ़ो ना, जिससे क्योंकि आपका मोटिव क्या है, इंग्लिश को इम्प्रूव करना, क्योंकि आपको लाइफ में ग्रोथ चाहिए, आपको एक दो लैंग्वेज को पकड़ चाहिए, एक लैंग्वेज को पकड़ नहीं चाहिए। तो दो लैंग्वेज को पकड़ चाहिए तो आप दो लैंग्वेजेस को ठीक से ऑब्जर्व करो, रीड करो, मूवीज देखते हो सब टाइटल्स के साथ, फॉरेन मूवीज देखो, उससे आपको एक्सेंट, एक्सेंट क्या होता है, एक्सेंट होता है जिस, जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं ना अपना फ्लुएंटली, दैट्स हाउ द फॉरेनर्स स्पीक इन एक्सेंट, लाइक व्हाट इज व्हाट प्रो है एवरीबॉडी दिस थिंग काइंड ऑफ दिस थिंग्स, इट विल बी फनी बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज इज ऑल्सो फनी। यू नो द ग्रुप ऑफ पांडास कॉल्ड एम्बैरेसमेंट, द ग्रुप ऑफ ओल्स कॉल्ड पार्लियामेंट, मीन्स उल्लुओं का समूह पार्लियामेंट कहलाता है। अब पार्लियामेंट हमारा क्या है, जहाँ पे नेता बैठते हैं, नेताओं को उल्लू बोलेंगे, तो इंग्लिश इज फनी लैंग्वेज है ऑल्सो, है ना, बिकॉज यू हैव सीन दैट इन अ मूवी द विजय अमिताभ बच्चन सेड इंग्लिश, आई कैन टॉक इन इंग्लिश, आई कैन वर्क इन इंग्लिश, सो इट इज़ द कन्फ्यूजिंग। आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं ना स्पोकन इंग्लिश में, सभी होते हैं, क्योंकि वो ऐसी लैंग्वेज है जो सबसे ईजी भी है। इंग्लिश इज द ईजिएस्ट लैंग्वेज टू लर्न एंड इट इज़ द फनीएस्ट लैंग्वेज, इट इज़ द मोस्ट यूजफुल लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज, तो ये लैंग्वेज की पकड़ होती है। तो हिंदी टू इंग्लिश करने के लिए आपको वोकैबुलरी करना जरूरी है, बट साथ में रीडिंग करना, रीडिंग से आप किस पे आते हो, अंडरस्टैंडिंग, रीड करते हैं तो समझ में आता है, दिमाग में घुसता है, नॉवल पढ़ते हैं तो वहाँ से आपको वोकैबुलरीज मिलती है रीडिंग करने से, उन वोकैबुलरीज को सेंटेंस में यूज़ करो ना, सेंटेंस में जब तक आप वोकैबुलरी यूज़ नहीं करें तब तक वोकैबुलरी सीखने का कोई फ़ायदा नहीं रहता है। तो रीडिंग से अंडरस्टैंडिंग, राइटिंग, फिर आप स्पीक कर पाओ, मतलब समझे, डायरेक्ट अगर आप बोलने पे आते हो ना तो नहीं हो पाता है, क्यों, क्योंकि आप पहले उसको रीड करते हो थोड़ा इसको, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा इंग्लिश में बचपन से ही, कि फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग, देन राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, ऑब्जर्विंग, लिसनिंग, देन यू कैन स्पीक। इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ गुड स्पीकर यू हैव टू बी अ पेशेंट लिसनर, अगर आप सही से सुन रहे हो ना तो आप अच्छे से बोल भी पाओगे, ये चीज़ आपको होनी चाहिए। आप कॉमिक्स रीड कर सकते हो, न्यूज़पेपर्स रीड कर सकते हो, नॉवल्स रीड कर सकते हो और डेवलप कर सकते हो, अगर आपका इंटरेस्ट है ना इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में, तो वो बढ़ता चला जाएगा, आपको खुद मन करेगा कि मैं आज एक नॉवल ख़त्म कर दूँ। आप ज़्यादातर बुक समरीज देखते हो यूट्यूब पे, जिस पे सीकेएन के चैनल है, उस पर वो समझाते हैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिससे आप अपनी दुनिया में काबू को कर लोगे, मीन्स आप जो करना चाहते हो वो कर लोगे। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कितने लोग जानते हैं, यस, वॉट इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अब चेतन मन की शक्ति का ध्यान रखते हैं, मतलब हमारे देखो हम सोते हुए भी ना हमारा दिमाग काम कर रहा होता है, वही पावर समझाई गई है, एक बुक है, ठीक है, पढ़ रखी है, पढ़ रखी है आपने ना, अब चेतन मन में क्या कहते हैं जो हम याद करते हैं, और चेतन मन हमें क्या कहते हैं दिमाग में लाते हैं, कहते हैं याद होता है, और वो जो याद करते हैं वही क्या कहते हैं हमारे ऊपर होता है जो हम याद करते हैं। तो क्या होता है, लैंग्वेज इज़ द इनफाइनाइट यूज ऑफ फाइनाइट मीन्स, मतलब लैंग्वेज ऐसी चीज़ है जिसको तो आप कम, आपके पास कम सोर्सेस है ना तो भी सीख सकते हो। तो अभी सबकॉन्शियस की बात करें तो आपका सबकॉन्शियस क्या करता है, आपको इमेजिनेशन पे पावर पे बहुत फोकस करता है। आपने अगर ठान लिया, अगर आपने सोच लिया कि आप आईएएस करना चाहते हो, आप ये कार खरीदना चाहते हो, अगर दिमाग में आपने इमेजिन ही कर दिया ना, छोटा व्यक्ति छोटा क्यों रह जाता है, गरीब गरीब क्यों हो रहा है, अमीर अमीर क्यों हो रहा है, क्योंकि तो गरीब की सोच गरीब जैसी है, अमीर की सोच अमीर जैसी है, सब आपके इमेजिनेशन पे, सब आपके थिंकिंग पावर पे है। अगर आपने एक बार सोच लिया कि मुझे ये चीज़ करनी है तो आप कर लोगे, अगर आपने पहले ही हार मान ली कि मेरे से ये चीज़ नहीं हो पाएगी तो सच में नहीं होगी, ये ट्रू है। If you imagine, if you can imagine, if that the thing is in your mind, you can do it, you can achieve it. अब चेतन मन आपको आपका सब कुछ याद दिलाते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, टेंशन करता है। Anything else? So subconscious mind आपका retention देता है, जब आप सो रहे होते हैं ना तो सारी दिन की चीज़ें चल रही होती है आपके दिमाग में, आपको relax कर रहा होता है, वो होता है। तो ये सारी चीज़ें आप करोगे तो आपकी spoken English जरूर बेटर हो जाएगी। अब मैं बेसिक इंट्रोडक्शन की बात कर रहा था, कहीं भी आपसे अगर आप इंट्रो नहीं देते हो अपना, आपको अपने बारे में नहीं बताना आ रहा, जैसे कि हेयर एग्जाम्पल, गुड इवनिंग एवरीबडी, माय नेम इज रोशन यादव, आई एम 19 ईयर्स ओल्ड, आई एम परसुइंग माय बैचलर्स इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, पीजीडीएवी कॉलेज, एंड आई लिव एट मयूर विहार इन न्यू दिल्ली,
माय फादर वर्क्स इन डीटीसी, माय मदर इज हाउसवाइफ, आई हैव टू सिबलिंग्स, वन ब्रदर एंड वन सिस्टर, माय हॉबीज आर रीडिंग नॉवेल्स, डूइंग एक्टिंग एंड टीचिंग इंग्लिश, माय फेवरेट कलर इज येलो, माय फेवरेट फूड इज बिरयानी, माय फेवरेट प्लेस टू विजिट इज आगरा, आई वॉन्ट टू अचीव और आई वॉन्ट टू बिकम अ प्रोफेशनल इन माई लाइफ, थैंक यू सो मच. If any doubt, forgive me. If any doubt you have, you can ask me. If any mistake I made, forgive me. Thank you so much. This is the introduction. You can present anywhere. अगर आपसे कोई tell me about yourself बोल देता है तो आप थोड़ा डरने लग जाते हैं. आपके मन में आता है क्या बोलूँ, है ना? आप सबसे पहले अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताइए. कहीं भी आप इंटरव्यू देना चाहते हैं या आप इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं, तो सबसे पहले अगर आप अपने बारे में नहीं बता रहे हैं किसी और के, मीन्स अपने फैमिली के बारे में ज़्यादा बता दे रहे हैं, दैट इज़ टोटली रॉन्ग. तो इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भाई आपसे अगर आपके बारे में पूछा जा रहा है, आप इंग्लिश में उतना नहीं बता पाए, तो वॉट इज़ द पर्पज इन लाइफ, वॉट आई हैव यू अचीव, क्या आपने अचीव किया, तो यू विल हेजिटेट. सब हेजिटेट करते हैं स्टार्टिंग में. अगर जैसे आप भाई हेजिटेट कर गए, आप कर गए, मान के चलो हर कोई कर जाता है, तो स्टार्टिंग में हेजिटेट करेंगे. अगर हेजिटेट से डर गए तो हेजिटेट ही करते रह जाएंगे. इन्होंने हिम्मत की, इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, तो ये ज़रूरी है कि आप स्टार्ट कर दें. आप मीन्स तो हेजिटेट ना करें, तो बहुत सिंपल चीज़ होती है, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. अगर अभी भी आप कोई करना चाहते हैं तो इसके लिए हाई फाई नॉलेज नहीं चाहिए आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए, कि मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश ग्रामर आ रही है तो ही मैं इंट्रोडक्शन दूंगा. अपना नाम तो बताना है, एज तो बताना है, कहाँ रहते हैं, इतनी चीज़ इंग्लिश में कोई भी बता सकता है. तो ये चीज़ बहुत ही कॉमन है इंट्रोडक्शन वगैरह के लिए. यूट्यूब पर मैंने वीडियो बना रखी है इंट्रोडक्शन कैसे देखते हैं. तो कंक्लूजन करेंगे तो इंग्लिश सीखने के लिए बेसिक्स आपको डेवलप करनी है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है. आपको स्टार्ट करना है, अगर आपको इन्वायरमेंट चाहिए तो सराउंडिंग अपना ऐसा बनाओ कि मीन्स आप रीड कर रहे हो या लोगों को बोल के रख रहे हो कि आई विल स्पीक इन इंग्लिश ओनली, और यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, यू कैन राइट, है ना. इफ़ यू राइट, यू आर अ गुड राइटर. इफ यू आर अ गुड राइटर, नेवर एवर यू विल नीड मनी टू समवन टू लेंड यू, मीन्स आपको कोई लोन नहीं देगा. अगर आप अच्छे राइटर हो, कहीं भी लिखिए, आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है. यू कैन राइट फॉर न्यूज़ पेपर्स, यू कैन राइट फॉर मैगजीन्स, यू कैन राइट फॉर ब्लॉग्स. ब्लॉग्स जानते हैं ना, कोई जानता है ब्लॉग्स क्या होता है? ब्लॉग ऐप होता है, ब्लॉग ब्लॉग ब्लॉगर वेबसाइट है. वर्डप्रेस वेबसाइट तो जानते हो आप लोग, कंप्यूटर सीख रहे हो, तो वेबसाइट्स पे ब्लॉग्स पब्लिश होती हैं. अगर आपके ब्लॉग पे 200-250 व्यूज भी आ गए तो भी आपके पैसे आने लगता है. तो ये ब्लॉगर की पावर है, मीन्स कुछ लिखने का, कुछ अच्छा आप किसी टॉपिक पे लिख पाते हो, प्रेजेंट कर पाते हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आर्टिकल लिखते हैं ना अपने ब्लॉग्स में, क्या लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं. तो आर्टिकल्स लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगर आप आर्टिकल लिख पाते हो, क्योंकि राइटिंग सराउंड करते हो अपने आप को इंग्लिश से, तो बहुत सारी चीज़ें आप अचीव जरूर कर सकते हो. तो अपने अंदर एक इंटरेस्ट, एक हॉबी जरूर रखो. सबके अंदर पैशन होता है. आप मान लीजिए कुकिंग बहुत अच्छा करते हो, रंगोली अच्छा बनाते हो, तो ये हॉबी है, तो उसको डेवलप करते चलिए, आपको बहुत बेनिफिशियल होने वाला है. तो ये थे कुछ टिप्स वगैरह. यूट्यूब पर चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं. तो थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया, आपने अपना मेरे को अपना समय दे करके अच्छे से ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली एंड केयरफुली. आई होप दैट यू लाइक दिस सेशन. इफ यू वांट टू ऐड समथिंग और इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, यू कैन आस्क. और वी वुड लाइक टू प्रोवाइड यू सम इंफॉर्मेशन अबाउट आवर स्पोकन इंग्लिश कोर्स एज आई हैव केम. सो आफ्टर 12th ऑल्सो पीपल हैव डाउट वॉट टू डू, हम 12th के बाद क्या कर सकते हैं. तो आप लोग इंग्लिश जरूर ही सीख सकते हैं. तो स्पोकन इंग्लिश मैंने चला रखा है, वहाँ पर भी कोर्स करें. आप कॉन्टैक्ट करके अगर किसी को इंटरेस्ट है स्पोकन इंग्लिश में तो सीख सकते. और बाकी हम लोग आगे भी मिलते रहेंगे. मैं भी भैया से पढ़ा हुआ हूँ, एक दो साल पहले मैं भी 6 months का कोर्स करके गया था, और मेरा भैया से भी अच्छी कोर्स किया. सो ठीक है, आप लोग देख सकते हैं. और अगर किसी का भी डाउट है, मेरा सवाल था भी ये रहता है, जैसे हम इंग्लिश में बात करते हैं तो इंग्लिश को कर रहते हैं, तो जैसे आपने बोला कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को समझ में आ जाएगी, तो दोनों को समझ में आएगा. और फ्रेंड्स को भी अपने बताते हैं इस चीज़ के बारे में. हाँ आप बताओ.
मैं कह रहा था कि अगर हम इंग्लिश क्या कहते हैं हिंदी, अगर हम अपने लफ्ज पे ना लाए इंग्लिश ही बोलते हैं तो इंग्लिश हमारी क्या कहते हैं दिमाग में बैठ जाए, और अगर हम इंग्लिश पढ़ते रहें तो नॉलेज भी बढ़ेगी इंग्लिश। वही दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग व्हाट इज योर क्वेश्चन, आप बता रहे मुझे आप क्वेश्चन कुछ कर रहे हो तो क्वेश्चन आप मेरे को मेन पॉइंट बता दीजिए। दैट्स व्हाई शी इज आल्सो सेइंग दैट, ये पूछ रहे हैं कि अगर जैसे हम बस इंग्लिश को बोलते हैं पढ़ते हैं तो बस हमारे दिमाग में बैठ जाती है क्वेश्चन। इट इज़ नॉट लाइक दैट इंग्लिश विल कम टू योर माइंड, यू ओनली यू विल ओनली स्पीक इन इंग्लिश। अगर आप जितना भी देख लो जितना भी आप प्रैक्टिस कर लो, आप इंडियन हैं आप स्पोकन इंग्लिश कॉन्फिडेंसली कहीं आपको प्रिपेयर करके जाना, यू कैन स्पीक इंग्लिश वेल कॉन्फिडेंसली इन अ फ्लुएंट मैनर, बट इन एवरी टाइम एवरी सेकेंड इन एवरी मिनट यू कांट स्पीक इन इंग्लिश। दैट्स अ थिंग, रीडिंग विल नॉट कम टू योर नर्व, रीडिंग बुक एंड रीडिंग न्यूज़पेपर एंड अदर्स। If you want that the English should always go in my mind, you should observe the things, you should watch the movies, web series with the subtitles, you will observe retention. Then the accent, the way of speaking will improve. In some of the Indian language mein English bol rahe hain. So wo fluent English thoda bahut nahi mana jata hai, wo Indian English maana jata hai. Agar aap fluent in a manner, in a accent or in a way that they are speaking, so काफ़ी प्रभाव पड़ता है उसका, है ना। उसको क्या कहते हैं स्पॉन्टिंग, और एक वर्ड कहते हैं जिससे आपके फ्रेजेस, आपके बॉडी लैंग्वेज, है ना, आपका मोंटेशन, सब चीज़ देखा जाता है कि किस दिन में आपके टंग हिल रहे हैं, किस दिन में आपके होंठ हिल रहे हैं, हाउ यू आर स्पीकिंग, हाउ योर लिप्स आर गोइंग ऑन, दैट्स अ मोनोटेशन और वन वर्ड इज दैट इट्स नॉट कमिंग, आई विल टेल यू लेटर। सो ये चीज़ है कि अगर आप ऑब्जर्व करके बोलना चाहते हैं तो आपको थोड़ा बहुत वेब सीरीज या मूवीज सबटाइटल्स के साथ जिससे रीडिंग भी करेंगे, जिससे आप उनके बिहेवियर को देखोगे, क्योंकि हम अपने मम्मी पापा को जैसा जैसा देखते हैं आसपास जो जो चीज़ें देखते हैं वैसे हम डेवलप होते हैं, ये बात सही करते हैं। तो अगर आप रीडिंग राइटिंग की बात कर रहे हैं तो उसका ये होता है प्रभाव आप पे कि वो चीज़ें आपका इंटरेस्ट डेवलप कर देती हैं और हमारे माइंड में वो चीज़ें आने लग जाती है, वो हम पे प्रेशर डालती है कि हम इस चीज़ को सीखें, क्योंकि हम जो जिस दिशा में आप जाओगे उसी दिशा में आप चलते चले जाओगे। अब जिसका फोकस जिस चीज़ का वो वही करेगा, मान के चलो किसी का फोकस है सोने पर तो दिन रात सोता रहेगा, किसी का फोकस है गेमिंग पर गेमिंग खेलता रहेगा, जिसका फोकस है कंप्यूटर पर कंप्यूटर पर ही चला जाएगा। तो आपका मेन मोटिव है कि किस दिशा में किस डायरेक्शन में किस फोकस में आप जा रहे हैं, किस तरफ आपका इंटरेस्ट है। भाई मेरा ये सवाल है कि अगर हम फैमिली में इंग्लिश बोल रहे हैं और अगर कोई क्या कहते हैं हिंदी में बात कर रहे हैं तो उसे कैसे बोले कि आप भी इंग्लिश में बोलें। यस दैट इज द प्रॉब्लम वी फेस, इफ यू वांट दैट अदर पर्सन शुड आल्सो स्पीक टू यू इन इंग्लिश यू हैव टू जस्ट से दैट एक्चुअली आई एम इन 10 डेज चैलेंज और एक्चुअली आई एम जस्ट नॉट स्पीकिंग हिंदी, आई एम प्रैक्टिसिंग माई स्पोकन इंग्लिश स्किल, सो आई रिक्वेस्ट यू not to speak in Hindi with me or you can speak Hindi, I will only speak in English. मतलब आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप उनसे बोल सकते हैं कि मैं 10 डेज चैलेंज में हूँ, मैं हिंदी नहीं बोलूँगा, आप हिंदी बोल सकते हो। अगर आपका कोई मजाक उड़ाता है उड़ाने दो, उसका ही नुकसान है, उसे वो नहीं पता बाद में आप उस पर मजाक उड़ा रहे होंगे दैट ही कैन नॉट लर्न इंग्लिश और वेयर एवर ही विल गो ही विल नॉट बी इन कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंस चाहिए आपको फ्लुएंसी चाहिए तो यू शुड हैव टू लैंग्वेज कमांड, he has so much confidence and many things I can see, he's a mature person, he has some experience I can see, so I can speaking, I am speaking, he also make mistake, it's not like that. मेरा एक और सवाल था कि ये कह रहे जैसे अगर हम फैमिली में बात कर रहे हैं इंग्लिश में और कोई कहता है कि आप इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश क्या कहते हैं ऐसे क्या कहते हैं झाड़ते रहते हो तो क्या कहते हैं अच्छा नहीं लगता ना, तो ऐसे बोलेंगे कि अंग्रेज हो रहा है, बोलेंगे कि हर बात इंग्लिश में बोल रहा है। तो अब आपको ये भी तो देखना होगा कि आप इंग्लिश बोल कहाँ रहे, है ना। अगर आप किसी गवार या किसी मीन्स गवार सॉरी अगर किसी आप देहाती, अब भाई उसको इंग्लिश नहीं समझ आती, अगर आप वहाँ इंग्लिश बोल रहे हो तो वो भी प्रॉब्लम है। बट अगर आप किसी पढ़े लिखे किसी मीन्स अच्छे लोग के पास बोल रहे हो तो वो ऐसा कर रहे हैं तो उसकी थिंकिंग छोटी है, आप गलत नहीं हो, आप जो कर रहे हो आप अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हो, आपको वो करना है। तो कोई कुछ भी कहता है उस पर ध्यान तो आप पहली बात मत दीजिए। यहाँ पे कितने लोग होंगे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाह रहे हो, चाह रहे होंगे नहीं चाह रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ना कुछ करना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो आप, फोटोग्राफी, फोटोग्राफी
फोटोग्राफी करना चाह रहे हैं, तो फोटोग्राफी करने के लिए स्टार्ट कर दिया आपने, आपको लोग टोकते भी होंगे, अप्रिशिएट भी करते होंगे, तो आप कमेंट पे जाओगे अप्रिशिएशन पे जाओगे, अप्रिशिएशन पे, पर कमेंट को फीडबैक दोगे। बट ये क्या होता है, कुछ भी आप स्टार्ट करते हो, कुछ भी आप चीज़ें करते हो, आपको दोनों चीज़ मिलती है। तो आप अगर सिर्फ बैड चीज़ पे या फिर नेगेटिव चीज़ पे ध्यान दोगे तो पॉजिटिव कैसे करोगे, बोल मिलती। मेरा ये सवाल था, जैसे हम अगर हम एक्टिंग या कुछ भी करें, हाँ मान लो आप तबला ही बजाना है, तबला ही बजाना है, अगर हमें जाकिर हुसैन जी वगैरह बनना है, तो हमें पहले उसके अंदर, जाकिर हुसैन जी ना प्रेसिडेंट भी थे, इसलिए उनका नाम है कॉलेज के नाम से तबला ही बजाया, हाँ तबला ही बजाए थे वो, तबला वादक हाँ होंगे, नहीं तबला वादक वोकलिस्ट, वोकलिस्ट। एंड अगर हम उनकी तरह बनना है तो मेहनत भी उनकी तरह ही करनी पड़ेगी, जैसे हम एक्टर हैं, जैसे अगर हम एक्टिंग करते हैं तो हमें एक्टिंग क्या कहते हैं, एक्टिंग के अंदर घुसना है, क्या कहते हैं, हमें ये करनी है, हमें बाकी चीज़ों में नहीं लगना। यस, आप सही जा रहे हो और आपका मानना सही है, आप अपने लाइफ के लिए करते रहो, और आपका क्वेश्चन भी मैं समझ गया हूँ कि आपको जिस तरफ भी जाना है उसके लिए वैसी मेहनत चाहिए, आपको कोई कुछ भी कहता है उस पर ध्यान मत दीजिए, आपको जो करना है वो आप कीजिए, यू आर फ्री। अगर आप कोई अच्छा करते हो ना, स्टार्टिंग में अच्छा करते हो तो लोग रोकते हैं, पर जैसे ही आप वो बहुत अच्छा कर लेते हो तो वही लोग जो रोक रहे थे ना वही आपकी तारीफ कर रहे होंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ, वही लोग बोल रहे होंगे आप, अब जो लोग जो चीज़ करने से रोक रहे थे, मान के चलो आप स्पोकन इंग्लिश कर रहे हो सबके सामने, इफ़ यू विल नॉट स्पीक इंग्लिश आफ्टर 15 डेज और 30 डेज इन फ्रंट ऑफ देम एज वेल, दे विल स्पीक, व्हाई आरंट यू स्पीकिंग इन इंग्लिश, अब वही आपसे पूछेंगे अब तू इंग्लिश में क्यों नहीं बोल रहा भाई, जिनके सामने आप इंग्लिश बोल रहे थे, ठीक है, वो बोलने होंगे अंग्रेज बन रहा है, वही आपसे 15-20 दिन बाद, आप बोलते जाओ, आपसे 15-20 दिन बाद बोलेंगे आप इंग्लिश में क्यों नहीं बात कर रहे हो, ये प्रूफ है, ये लाइफ की रियलिटी है। वो फोटो खींच रहे हैं, तो फोटो खींच रहे हैं किसी की, तो फिर अगर वो बंद कर देंगे तो बोलेंगे क्यों नहीं खींच रहे हो आप फोटो, क्योंकि उनको पता लग गया वो उस चीज़ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन चीज़ का वो बन गया, हर किसी के साथ होता है, ये लाइफ की रियलिटी है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जैसे दो लैंग्वेज है, आपको हर लैंग्वेज, जैसे हर लैंग्वेज बोलनी चाहिए, जैसे पंजाबी हो गई, तेलुगु हो गई, बाकी सब लैंग्वेज आनी चाहिए, ऐसी बात नहीं, ज़रूर आनी चाहिए, जिसकी जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस पर कमांड होती है उतना ही वो नॉलेजेबल होता है, उतना ही उसको लाइफ में तरक्की मिलती है। सोनू सूद सिंगर है, 16 to 32 लैंग्वेजेस जानते हैं, 16 to 32 लैंग्वेजेस, जितने एक्टर्स हैं उनको काफ़ी सारे लैंग्वेज सीखने पड़ते हैं, क्योंकि वो एक ही लैंग्वेज में शूट नहीं कर रहे होते, उनको हॉलीवुड में भी करना होता है, तेलुगू मूवीज़ में भी करना होता है, कुछ भोजपुरी से आते तो उनको हिंदी में स्विच करना पड़ता है, तो जितनी ज़्यादा जिसको लैंग्वेजेस है, सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस तो एरिस्टोटल, प्लेटो वगैरह को है, अब ये बड़े बड़े थॉट गिवर जो कहते हैं फिलोसफर्स, प्लेटो को कोई जानता है, पढ़ा होगा, पॉलिटिकल साइंस किसी ने पढ़ी होगी, ये तो ज़रूर जानना होगा, विवेक, प्लेटो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और एरिस्टोटल तो 3-4 सब्जेक्ट्स के फादर है, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस। मेरा ये सवाल है, जैसे हम फिल्म में डबिंग करते हैं, डबिंग में हमें पता नहीं चलता कि कौन लैंग्वेज कौन सी बोल रहा है, तो देखो अगर हॉलीवुड डब हो रही है तो हिंदी में हो रही होगी, क्योंकि हमें हिंदी में देखनी है, तो वो उसको स्क्रिप्ट मिलती है, सीधी सी बात है, तब वो उस चीज़ को आवाज़ देता है, तो यही डबिंग होती है, वो लैंग्वेज किसी में भी हो, है ना, अगर मान के चलो साउथ की मूवी हिंदी में डब हो रही है, जो कि होती है, बहुत ज़्यादा फेमस जाती है ना, जितने भी आपने देखे होंगे, तो वो क्या होता है, उनको स्क्रिप्ट मिलती है हिंदी में, है ना, और वो तेलुगु की ट्रांसलेटेड होती है, ट्रांसलेशन यहाँ पे बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, यू कैन बिकम ट्रांसलेटर एज वेल, अगर आप इंग्लिश सीख जाते हैं, हिंदी के ट्रांसलेटर और इंग्लिश के ट्रांसलेटर चाहिए हमें सरकारी ऑफिसेस में, हमें SSC के एग्ज़ाम में चाहिए ये सारी चीज़ें, क्योंकि इंग्लिश जो है वो हर जगह इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, थैंक यू, बाकी बता दीजिए, थैंक यू भाई, यू हैव लर्न सो मेनी इन दिस सेशन, यू हैव लर्न सो मेनी थिंग्स इन दिस सेशन, थैंक यू, फीडबैक बाकी आप लोग दे सकते हैं, और मैं भैया को गूगल फॉर्म भेज दूंगा, अगर वो भेज देते हैं आप लोगों को, इंस्टीट्यूट अपर साइड ऑफ सेवा डायरी एंड इन सैंडी अकेडमी, और सर इज ऑल्सो स्टार्टिंग सैंडी अकेडमी इज ऑल्सो देयर, यू नो इट इज आफ्टर जस्ट गुप्ता बुक स्टोर, श्री गुप्ता बुक स्टोर आगे जाकर गली है उसके अंदर, और इट इज नियर, इफ यू वॉन्ट टू कम नियर बाय, इट इज अपॉन द सेवा डायरी,
फर्स्ट फ्लोर ऑफ सेवन एक्चुअली आई एम न्यू हियर व्हाट यू आर न्यू हियर फ्रॉम वेयर आर यू आई एम आल्सो फ्रॉम हियर नाइस ओके मेरे इज ऑलराइट आई थिंक ओके ब्रो जितने सवाल आप पूछ सकते हो बाद में भी आते रहेंगे बाकी सर और बता दूंगा कॉन्टेक्ट नंबर ओके थैंक यू थैंक यू सो मच